हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीमेंट का कंसिस्टेंसी टेस्ट करने वाले हैं। इस टेस्ट को करने के लिए हमको विकाट अपरेटस की ज़रूरत होती है और एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसमें हम पानी लेते हैं और कुछ सीमेंट चाहिए होता है। तो सीमेंट हमने जो सीमेंट का सैंपल लिया वो 400 ग्राम ले लिया है। तो इन जनरल जो हमारा पानी चाहिए होता है इस टेस्ट को करने के लिए, 25 से 30% हमको चाहिए होता है जो हमारा सैंपल है, टेकन सैंपल है। और इस टेस्ट का करने का उद्देश्य भी यही होता है कि पानी कितना लग रहा है उसको हम लोग निकालते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो पेस्ट बनेगा उसमें कितना वाटर हमको चाहिए एक प्रॉपर पेस्ट बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक प्रॉपर पेस्ट बनाने के लिए हमको कितना पानी चाहिए, कितने पानी में हमारा ये प्रॉपरली रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट हम पेस्ट बना के ये जो मॉल्ट्स है उस पर हम जो प्लंजर है, विकाट प्लंजर है, उसको छोड़ते हैं धीरे धीरे और पेनिट्रेट होने देते हैं। और एक अच्छा और वाटर कंटेंट तब पता चलता है जब हमारा प्लंजर जो है बॉटम से 5 to 7 mm की ऊंचाई पे रह जाए या इतना पेनिट्रेट ना कर पाए, तो हमको पता चलता है कि ये हमारा बेस्ट वाटर कंटेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 800 माइक्रोन की हमारी सीव्स है, उस पर हम सीमेंट को सेक करेंगे। हो जा रहा है, चलिए शुरू करते हैं। अभी पहले सेक करेंगे। अब ये 800 माइक्रोन की हमारी सीव्स है, अब हम इस पर सीमेंट को पहले सेक करेंगे जिससे हमारे जो कोर्सर मटेरियल है इसमें वो निकल जाए। आराम से सेक करेंगे और फिर वेट करेंगे। ये हमारा पैन है, इसमें इसका अभी इसको हमने जीरो कर लिया है। अब हम इसमें सीमेंट को वेट करेंगे। 400 ग्राम लेने वाले हैं जो सैंपल हमारा है। अब हम धीरे धीरे वेट करेंगे। ये हमारा 400 ग्राम सैंपल ले लिए हैं। ये जो हमारा सैंपल था उसका हमने 30% वाटर ले लिया है, तो 400 ग्राम का हम 30% निकालेंगे तो 120 ml आएगा। और ये 120 ml हमने पानी ले लिया है और अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। ये हमारा पेस्ट तैयार हो रहा है, ये हमारा पेस्ट बन के तैयार है। अब हम इसको मोल्ड में भरेंगे। ये हमने पेस्ट को मोल्ड में भर लिया है, अब हम इसको प्लंजर में रखेंगे। अब हम इसको लाएंगे इसकी सरफेस तक, मोल्ड की सरफेस तक, तो और फिर इसको छोड़ेंगे। अब ये ला रहे हैं धीरे धीरे, अब छोड़ रहे हैं, छोड़ दिए, अब छोड़ दिए, अब पेनिट्रेट होने देंगे। अब ये हमारा पेनिट्रेट हो रहा है, ये निडिल है हमारी, धीरे धीरे पेनिट्रेट हो रही है। ये 10 पे आ गया है, ये आ गया है 10 के नीचे आ गया है। अगर ये 5-7 पे नीचे से रहता है तो माना जाता है कि हमारा जो भी वाटर मिलाया गया है बेस्ट है हमारा। ये 8 पे आके रुका हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 400 ग्राम में हमारा 30% वाटर यूज हुआ है। तो हमको एक प्रॉपर पेस्ट बनाने के लिए 30% वाटर की ज़रूरत पड़ी है। और तो ये रहा आज का हमारा प्रैक्टिकल सीमेंट की कंसिस्टेंसी का, जिसमें रिजल्ट निकल गया, कंक्लूजन निकला कि 30% वाटर चाहिए, 25 से 30% इन जनरल चाहिए होता है और 30% इसमें पानी हमारा लगा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।